सादे ड्रेस में फर्जी पुलिसकर्मी बनकर लोगों की चेकिंग करने के नाम पर लूटे जाने की घटना को लेकर गोरखपुर पुलिस काफी सक्रिय नजर आ रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता ने लोगों को आगाह किया कि कोई भी व्यक्ति अगर सादे ड्रेस में है और पुलिस की वर्दी धारण नहीं किए हुए है, उससे किसी भी प्रकार की चेकिंग न कराएं। अगर वो अपने आप को पुलिस बता रहा है तो 100 नंबर पर डायल कर पहले पुलिस को बुला लें, उसके बाद उसे चेकिंग करवाएं, जिससे असली और नकली पुलिस का चेहरा सामने आ सके। एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने बताया कि अक्सर देखने में आ रहा है कि सादे ड्रेस में पुलिस बनकर चेकिंग के नाम पर आमजनों को इस तरह से शातिर लुटेरे लूट ले रहे हैं और उसका खमियाजा असली पुलिस को भुगतना पड़ रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा, विगत कुछ महीनों में कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसमें सादे कपड़ों में बंदों ने कुछ दो तीन लोगों ने मिलकर किसी महिला को किसी पुरुष को बोला कि पुलिस वाले हैं, आप अपनी चेकिंग कराएं। तो मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूं, इस तरह की धोखाधड़ी से बचें। ये एक तरह की धोखाधड़ी है कि वो आपको बहकावे में लेते हैं वो लोग और अपने आप को पुलिस वाला बताते हैं या किसी और सिक्योरिटी एजेंसी का बताते हैं और सादे कपड़ों में होते हैं, कभी कभी सफ़ेद कपड़े पहने हुए होंगे और गहम तरीके से बात करके अपने आप को पुलिस वाला सिद्ध करके और कुछ ना कुछ जालसाजी कर लेते हैं कि आप हमको अपना सामान उतार के दे दीजिए, चले जाइए यहाँ से, या अपना सामान चेक कराइए, और उसमें ही फिर वो हाथ की सफाई दिखाते हुए सामान चोरी कर लेते हैं। तो ऐसे में मैं आपके चैनल के माध्यम से भी अनुरोध करूंगा कि ऐसे लोगों से सतर्क रहें, आगे जैसी भी सूचना है तुरंत शोर मचाएं, लोगों को आसपास इकट्ठा करें, पकड़ें और पुलिस के आने तक हमें इतला करें। सलमान जी, अगर वो आई कार्ड दिखाते हैं पुलिस का तब वो क्या करें? नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरा मानना ये है कि पुलिस सभी जगह ऑथोराइज तरीके से वर्दी में ही, और आपको पता चल जाएगा जो भी पुलिस वाला होता है उसके पास सरकारी गन होती है, सरकारी वॉकी टॉकी होता है, उसके पास बहुत सारी सरकारी चीज़ें दिखती हैं, और शहर में वो एक दो पुलिस वाले नहीं कभी नाका लगाते हैं, नाकाब दिखेंगे तो दो चार लोग लगाते हैं, और बैरियर वैरियर भी होता है जहाँ पर वो प्रॉपर दिखते हैं, और आपको शक है तो आप बिल्कुल शोर मचाएं या उनसे आई कार्ड मांगें या सादे वर्दी में सादे कपड़ों में तो कोई तलाशी कर नहीं होगी। किसी नंबर पर सूचना भी दे सकते हैं? जी बिल्कुल, 100 नंबर को पहले तुरंत बोले हम बिल्कुल चेक कराएंगे, मैं हम 100 नंबर को ही बुलाते हैं, गाड़ी खड़ी होगी 100 नंबर की, आप चेक कर लीजिए उसके साथ। 100 नंबर के आने तक ऊपर चेक करेंगे? जी बिल्कुल, 100 नंबर को कॉल करें, 100 नंबर के आने तक।